हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए ये मेरा विंटर गार्डन का मैं अपना व्यू दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि अभी ये कुछ दिन का ही रह गया, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो चुकी हैं और ये फ्लावर जो है ये ख़राब होना भी शुरू हो चुके हैं। ये पिटोनिया के फ्लावर हैं, डॉग फ्लावर और बहुत सारे विंटर के जो फ्लावर हैं जो मैंने विंटर गार्डन तैयार कर रखा था वो सारे फ्लावर इसमें हैं, तो ये अब धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो चुके हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। तो इसके साथ ही मैंने अब समर गार्डन के लिए तैयारी शुरू कर रही हूँ। मैं आप भी शुरू कर चुके होंगे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने कौन कौन से समर गार्डन में के लिए पौधे तैयार करे हैं। मैं अभी पौध लेके आई हूँ तो आपको भी बताना चाहती हूँ जो मैंने अपने गार्डन के लिए समर में लगाऊंगी, इनकी जगह जो पिटोनिया लगा रखे हैं इनकी जगह उनको लगाऊंगी, तो मैं आपको भी आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे पौधे जो गर्मियों में आराम से चल जाते हैं और इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं। आप भी शुरू कर सकते हैं उनको लगाना अभी से। अगर आप पौध लाना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको आप इस समय पौध ला सकते हैं उनकी, और कुछ कुछ तो मिलना भी शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले देखिए ये है बालसम का पौधा। ये बहुत ही सुंदर पौधा होता है और इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से फूल आते हैं। ये डबल पेटल सिंगल पेटल दोनों में आते हैं। देखिए इस तरह का कुछ इसका फूल होता है। इसके बाद आता है जेरेनियम। देखिए ये गार्डन में मेरे गार्डन में बहुत तरह के जेरेनियम है, हर कलर के मैंने लगा रखे हैं। लगभग कोशिश की है, आपके साथ बाद में शेयर करूँगी कौन कौन से हैं कलर। ये देखिए इस तरह से ये रेड कलर में, ये कॉमन कलर है, ऐसे गुच्छों में इसमें फूल आते हैं। बहुत ही सुंदर इजी टू ग्रो प्लांट है, बस पानी का ख्याल रखना पड़ता है, ओवर वाटरिंग से ये ख़राब हो सकता है। इसके बाद आता है ये गिलाडियस या इंडियन ब्लैंकेट फ्लावर भी बोलते हैं इसे। इसमें भी काफ़ी सारे फूल आते हैं, इस तरह से इसका फूल दिखता है। इसको भी आप इस समय अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसके बाद आता है ये कॉस्मोस। देखिए कॉस्मोस भी बहुत ही सुंदर फूल होता है, इसमें भी काफ़ी प्यारे से फूल आते हैं, इसमें भी बहुत कलर ऑप्शन रहते हैं, तो आप इसको भी इस समय अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसके बाद आता है ये जीनिया का। जीनिया में अलग अलग वैरायटी आती है, छोटे ड्वार्फ वैरायटी या बड़े वाले जो फूल होते हैं। देखिए इस तरह के फूल आते हैं इसमें, बहुत ही सुंदर। आप जैसे गमले में लगाएं या ज़मीन में लगाएं बहुत ही सुंदर रहते हैं। इसके बाद आते हैं सिलेसिया का फ्लावर, ये इस तरह से इसमें फूल आते हैं, ये भी बहुत सुंदर लगता है। और इसके बाद आता है ये लिथियंसिस, इसमें ये गुलाब को टक्कर देने वाला फूल होता है, गुलाब की तरह इसके फूल दिखते हैं, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा। इससे आप पौध ला सकते हैं, इसकी बाद में तो पौधा महंगा मिलेगा। अब ये देखिए गुलाब भी, मैरीगोल्ड भी बहुत, गेंदा भी बहुत अच्छा होता है इस सीज़न के लिए। और इसके बाद आता है ये सदाबहार या फिर विंका कहते हैं इसको, ये हाइब्रिड देसी वैरायटी दोनों में आता है। ये भी बहुत सुंदर फूल होता है और इसमें भी काफ़ी भर भर के फूल आते हैं। मेरे पास देखिए पिछले साल का है एक, तो ये हाइब्रिड वैरायटी में, और एक ये इस तरह का फूल है, ये भी बहुत सुंदर होता है। ये दोनों उसमें आता है, देसी भी और हाइब्रिड में, इसको भी आप आसानी से लगा सकते हैं, इसमें भी बहुत कलर ऑप्शन आते हैं। इसके बाद आता है मॉस रोज़, ये भी बहुत ही सुंदर, या पर्सलिन, बहुत ही सुंदर होता है ये भी समर के लिए। ये देखिए अभी ये छोटा दिख रहा है लेकिन कुछ दिन बाद ये पूरे इसको गमले को भर देगा। इसकी एक वैरायटी ये भी है और इसमें बहुत कलर ऑप्शन आता है, बहुत सुंदर होता है, दिखता है ये, पूरे आपके जो गमला है उसे भर देगा। उसके बाद आता है ये हॉली हॉक, ये भी बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। इसमें काफ़ी लंबा पौधा होता है इसका, काफ़ी बड़ा पौधा होता है। इसको ज़मीन में लगाएं या गमले में, इसको बिना सहारे के तो लगा नहीं सकते, इसमें एक आपको सहारे के लिए स्टिक देनी पड़ेगी। या इसके फूल देखिए इस तरह से दिखते हैं, ये भिंडी की तरह पौधा होता है इसका। इसके साथ ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।